इंडिया का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक, जो कि रिसेंटली इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बना है, इसके पहले SBI के बाद HDFC बैंक आता था। जो रिसेंट मर्जर हुआ है HDFC और HDFC बैंक का, उसके बाद से जो HDFC बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 14.6 लाख करोड़ का है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि HDFC बैंक ने किस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपनी स्टार्टिंग की और आज के समय में इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैंक है। जी हाँ, पहले SBI टॉप बैंक आता था, बट आज के समय में HDFC टॉप इंडियन बैंक है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे HDFC के बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें, कैसे शुरू हुआ और कैसे कैसे आज के समय पे इतना बड़ा बैंक बन गया। तो बिना समय गंवाए करते हैं वीडियो की शुरुआत, कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से। बात है लगभग 1990s के टाइम की। उस टाइम पे इंडिया में ना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था और इंडिया को कुछ नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत थी और कुछ बैंकिंग सिस्टम में कुछ नए रिवॉल्यूशंस की जरूरत थी। उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नरसिम्हा राव जी और जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे श्री मनमोहन सिंह जी। इन दोनों लोगों ने और RBI ने प्लान आउट किया कि इंडियन बैंकिंग जो सिस्टम है, उस टाइम पे दो तरह के बैंक्स थे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। एक तो पब्लिक बैंक्स थे जो कि गवर्नमेंट ओन करती थी। इनका बेनिफिट क्या था कि इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, इनका रीच बहुत अच्छा था और इनके पास फाइनेंशियल कैपिटल भी काफी अच्छा खासा था। और जो दूसरे बैंक्स थे वो थे फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स के पास प्रोडक्ट काफी अच्छे थे और जो कस्टमर सर्विस वगैरह वो फॉरेन बैंक्स की काफी अच्छी थी और इंडियन बैंक्स के पास इन दोनों चीजों की कमी थी, प्रोडक्ट्स और कस्टमर सर्विस की कमी थी। और ये चीजें आप इस टाइम भी फेस करते होंगे अगर आपने कोई पब्लिक बैंक विजिट किया है तो। स्पेसिफिकली SBI में ये चीजें काफी सारी दिक्कतें ऐसी आती हैं, ये प्रॉब्लम थी। और उस टाइम पे RBI चाहता था कि बैंक्स का भी प्राइवेटाइजेशन हो, कुछ नए इंडियन प्राइवेटाइज्ड बैंक्स आए। जब ये सारी चीजें इंडियन इकोनॉमी में चल रही थी तो दीपक पारिक जी को ये अपॉर्चुनिटी दिखा, क्यों ना हम बैंकिंग सिस्टम में एंटर करें और कुछ नया रिवॉल्यूशन लाएं। जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको एड्रेस करके हम लोग कुछ एक नया बैंकिंग रिवॉल्यूशन लाएं। तो सिंपल सा आइडिया था और इसके साथ शुरू हुई थी HDFC बैंक की शुरुआत, फाउंडेशन ले होना शुरू हुआ था। तो दीपक पारिक जी का जो बैकग्राउंड था वो बेसिकली था होम फाइनेंसिंग वगैरह में, बिकॉज HDFC उस टाइम में बहुत बड़ा होम फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन था। तो उनको जरूरत थी किसी ऐसे बंदे की जिसका कि प्रायर एक्सपीरियंस हो बैंकिंग सिस्टम में। तो उस टाइम पे जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनके दिमाग में एक नाम आया और वो था आदित्य पुरी जी। आदित्य पुरी जी उस टाइम पे सिंगापुर बैंक के CEO हुआ करते थे और वो प्लेस्ड आउट थे सिंगापुर में। तो दीपक पारिक जी ने आदित्य पुरी जी को रीच आउट किया कि भाई मेरा ऐसा ऐसा प्लान है और आपका प्रायर एक्सपीरियंस है तो क्यों ना हम लोग मिलके इस नए रिवॉल्यूशन की शुरुआत करें। और मैं आपको बता दूं, जो आदित्य पुरी जी थे जो उस टाइम पे सिटी बैंक के CEO हुआ करते थे, उनका लगभग 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस था बैंकिंग सिस्टम में। दीपक पारिक जी को लगा इससे अच्छा बंदा तो हमारे लिए स्टार्ट करने के लिए हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने दीपक पारिक जी को इमीडिएटली रीच आउट किया, सारी चीजें बताई, बट दीपक पारिक जी के साथ दिक्कत क्या आ रही थी, देखो उनका वेल सेटल्ड लाइफ था, ठीक है, एक CEO होना सिटी बैंक का इट्स नेक्स्ट टू अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो दीपक पारिक जी के लिए सबसे बड़ा टास्क था कि आदित्य पुरी को कन्विंस करना कि जिस आइडिया पे हम लोग काम करने जा रहे हैं वो आगे चल के बहुत बड़ा चीज बन सकता है। तो किसी ना किसी तरीके से करके दीपक पारिक जी ने आदित्य पुरी जी को समझाया और फिर से उन्होंने HDFC बैंक के अंदर आदित्य पुरी जी को लाया। जब आदित्य पुरी जी की एंट्री हुई HDFC बैंक में तब मेन गेम प्लान शुरू हुआ। लगभग 6-7 महीने का रिसर्च वर्क गया था HDFC बैंक को शुरू करने से पहले। उस टाइम पे आदित्य पुरी जी को इंडियन बैंकिंग सिस्टम में 2 मेजर फ्लॉज दिखे। वो मेजर फ्लॉज क्या थे? एक तो इंडिया एक अंडर पेनिट्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट था। अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट यानी कि मतलब इंडिया के हर गांव-गांव तक बैंक्स पहुंचे नहीं थे, तो उनको अपॉर्चुनिटी दिखी कि हम इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा जो चीज था वो ये था, जो गैप मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इंडियन पब्लिक बैंक्स जो थे उनके पास रीच था, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन था, उनके पास कैपिटल था, और जो फॉरेन बैंक्स था उनके पास प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सर्विस अच्छी थी उनकी और कस्टमर सर्विस जो है वो अच्छा था। तो आदित्य पुरी जी ने सोचा कि इन दोनों का एक मिक्सचर हमारे पास रहना चाहिए, बिकॉज जब तक ये दोनों चीजें मिक्स नहीं होंगी तब तक इंडियन बैंकिंग सिस्टम में रिवॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इन दो चीजों को आदित्य पुरी जी ने रिजॉल्व करना शुरू किया। तो देखो, जब कोई बिजनेस शुरू होता है ना तो इनिशियल ट्रैक्शन के लिए ना हमें कुछ कस्टमर्स चाहिए रहते हैं, और मान लो ये तो बैंकिंग सेक्टर था तो इसमें तो कस्टमर्स की नीड और भी ज्यादा जरूरी है। तो आदित्य पुरी जी ने सोचा कि सबसे आसान तरीका और सबसे इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है कस्टमर्स पाने का।
तो उनके दिमाग में आया कि जो इंडिया में जो ग्रेड ए कस्टमर्स हैं, ग्रेड ए कस्टमर्स यानी कि सीमेंस ले लो, बिरलाज ले लो, अंबानीज ले लो, टाटाज ले लो, तो इन कस्टमर्स को टारगेट करना शुरू किया आदित्य पुरी जी ने। अब उन्होंने कैसे किया कि देखो इंडियन मार्केट में ऑलरेडी काफी अच्छे बैंक अवेलेबल थे, बट अगर आदित्य पुरी जी को अगर इन कस्टमर्स के पास जाना था तो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करने के बाद से ही आदित्य पुरी जी उन पर्टिकुलर कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हैं। बिकॉज अगर वही पुरानी घिसी पिटी सर्विसेज के साथ अगर उनके पास जाएंगे तो कोई मतलब रहेगा नहीं, बिकॉज वो कस्टमर्स इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आदित्य पुरी जी ने कुछ वैल्यू एडिशन करने का सोचा कि उन कस्टमर से बातें करते हैं और उनको क्या क्या अभी दिक्कतें फेस हो रही हैं, क्यों ना हम उनके लिए कुछ कस्टमाइज सोल्यूशन दें। तो दो कंपनीज ऐसी हैं जिनको HDFC बैंक ने शुरुआत में काफी अच्छे कस्टमाइज सर्विस दिए थे। सबसे पहला है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के पास जब आदित्य पुरी जी और उनकी टीम गई बैंकिंग सर्विस देने के लिए, तो उन्होंने एशियन पेंट्स के जितने भी वेंडर थे उनको ऑनलाइन लाया, इंटरनेट के ऊपर लाया और उनको डिजिटल बैंकिंग से कनेक्ट किया। और उनके जितने भी वेंडर्स थे उनको आदित्य पुरी जी ने क्या किया कि उनको जो भी वर्किंग कैपिटल चाहिए था या फिर जो भी लोन्स की रिक्वायरमेंट थी वो एक सब्सिडाइज्ड रेट पे एशियन पेंट्स के वेंडर को देना शुरू किया। दूसरा, जब ये टाटा के पास गए, देखो टाटा क्या है ना, वो एफिशिएंसी में ज्यादा बिलीव करता है, तो आदित्य पुरी जी ने टाटा के लिए एक एफिशिएंट ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम बनाया जिससे कि जो भी उनके मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस थे वो काफी एफिशिएंटली हो जाए। ये दो एग्जांपल्स मैंने बताया, बाकी ऐसे काफी एग्जांपल्स हैं जो HDFC ने अपने ग्रेड ए कस्टमर्स के लिए किया। तो यहां से लर्निंग ये मिलती है कि देखो अगर आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जा रहे हो तो जरूरी नहीं है ना कि आप उसमें सक्सीड नहीं कर सकते, जरूरी ये है कि आप वहां पे इनोवेट कैसे कर सकते। जैसे आदित्य पुरी जी ने इनोवेट किया कि एक वैल्यू एडिशन करो, कुछ ऐसा एडिशनल कस्टमर्स को दो जिससे कि कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े और हम उनके साथ लंबे समय तक काम कर सके। तो इट्स ऑल अबाउट वैल्यू एडिशन। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर कर रहे हो तो जरूरी है कि कुछ आप नई चीजें ऑफर करो अपने कस्टमर्स को, ताकि आपके कस्टमर्स को आपके ऊपर ट्रस्ट हो और वो कस्टमर्स आपके साथ अल्टीमेट जुड़ सके। सबसे पहली लर्निंग ये थी। और इस तरीके से आदित्य पुरी जी ने कुछ कस्टमर्स को एक्वायर करना शुरू किया। बट जब काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में दो मेजर फ्लॉज और दिखे, बेसिकली कॉर्पोरेट बैंकिंग में। फ्लॉज क्या दिखे, देखो उस टाइम पे ना कोऑपरेटिव बैंक्स काफी ज्यादा ट्रेंड में थे। 1990s का जो टाइम था, 1990 से 2000 के बीच में कोऑपरेटिव बैंक काफी ज्यादा ट्रेंड में थे। तो उस टाइम में दिक्कत क्या आ रही थी, जब भी किसी बिजनेस ओनर को चेक सेटल करना रहता था, मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लो मैं एक बिजनेस ओनर हूं और आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है। मान लो मैंने आपसे कुछ खरीदारी की, आप बेस्ड आउट हो मुंबई में या फिर और भी किसी सिटी में और मैं बेस्ड आउट हूं यूपी में, तो मान लो मुझे अगर आपको पेमेंट करना रहेगा तो मैं अपने कोऑपरेटिव बैंक का चेक आपको भेजूंगा, ठीक है। सपोज करो आप दिल्ली में लोकेटेड हो और आपका अकाउंट है ICICI बैंक में, ठीक है। तो अगर मैं आपके पास अपने कोऑपरेटिव बैंक का चेक भेज रहा हूं तो फिर आप क्या करोगे, उस कोऑपरेटिव बैंक के चेक को आप फिर मेरे यूपी में भेजोगे और मेरे एरिया में जो नियरेस्ट ICICI बैंक रहेगा वो फिर सेटलमेंट के लिए प्रोसीड होगा। तो इस सारे काम में लगभग 4 से 5 दिन का समय लग जाता था, जो उस टाइम में बहुत ही टीडियस प्रोसेस था। तो HDFC बैंक ने क्या किया कि जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स थे, बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक्स का रीच उस टाइम पे बहुत ज्यादा था, अगर आप कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका रीच और उनका कस्टमर बेस बहुत ज्यादा था। तो HDFC बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक के साथ टाई अप किया कि हम लोग आपके लिए चेक्स इशू करेंगे जिससे कि आपके कस्टमर आसानी से हमारे नजदीकी ब्रांच में जाके उस चेक का रिकंसिलेशन कर सकें। तो कोऑपरेटिव बैंक से पास कस्टमर बेस था, तो इस तरीके से HDFC बैंक के पास काफी सारे नए कस्टमर्स आ गए जो कि कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स थे। और फिर जब वो कस्टमर आ गए, तो जब कस्टमर किसी बैंक के पास आ जाता है, अपना अकाउंट खोल लेता है, तो वही अकाउंट ओपनिंग जो होता है वो एक बैंक के लिए एसेट होता है। कैसे, मान लो अगर 50 नए कस्टमर्स HDFC बैंक के पास जाते हैं तो 50 नए कस्टमर्स अपना अकाउंट ओपन करेंगे और मान लो उन 50 अकाउंट में हर एक कस्टमर 50,000 रुपए डाल दिया, लगभग हो गए 25,00,000 रुपए। तो वो 25,00,000 रुपए HDFC को ना बहुत ही इजी वे में आ गए, उसमें ज्यादा HDFC को मेहनत नहीं करना पड़ा, ठीक है। और फिर क्या करेगा HDFC, उस 25,00,000 को आगे लोन्स वगैरह दे देगा, कार लोन, होम लोन, और उससे जो इंटरेस्ट पाएगा वही HDFC बैंक के लिए कमाई हो जाएगी। तो जो भी खाते खुलते हैं ना किसी बैंक में, तो वही उस बैंक का मेन एसेट होता है। और इस तरीके से HDFC को एक मेजर कस्टमर बेस मिल गया और उस टाइम पर जो चेक सेटलमेंट में 4 से 5 दिन या फिर 6 दिन लग जाते थे वो कट डाउन होकर 1 से 2 दिन हो गया। तो एक रेवोल्यूशनरी चेंज था और रेवोल्यूशनरी चेंज होने के नाते HDFC को लोगों ने एक्सेप्ट किया।
दूसरी जो चीज थी वो ये थी, दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उस टाइम पे जब स्टॉक ट्रेडिंग किया जाता था ना, तो स्टॉक सेटलमेंट जो साइकिल रहता था वो T+7 days होता था। वो किस तरह से, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो मैं एक कस्टमर हूं और मुझे सपोज करो टाटा का एक शेयर परचेज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने ब्रोकर से बोलूंगा भाई मुझे इसका शेयर चाहिए, तो ब्रोकर एक्सचेंज को भेजेगा, एक्सचेंज फिर दूसरे ब्रोकर को भेजेगा और उसके बाद से फिर कंपनी के पास जाएगा। मतलब मल्टीपल बैंक्स के कनेक्शंस इस प्रोसेस में आएंगे। एचडीएफसी ने क्या किया, एक स्मार्ट तरीका निकाला टेक्नोलॉजी के थ्रू, इन सारे जो भी ब्रोकर्स थे और जो भी एक्सचेंजेस थे उनको एक ग्रुप में निट कर दिया, एक ग्रुप में उनको क्लोज कर दिया। ठीक है, जब ग्रुप में उसने क्लोज कर दिया तो क्या हुआ वहां से कि जब सबके अकाउंट्स एचडीएफसी में आ गए तो उससे क्या हुआ, जो सेटलमेंट साइकिल जो पहले T+7 days लगते थे वो घट के T+2 या फिर T+3 days आ गए। तो इससे बेनिफिट क्या मिला एचडीएफसी को कि जितने भी ब्रोकर्स थे उस टाइम पे और जितने भी एक्सचेंजेस थे सबके अकाउंट्स एचडीएफसी के पास थे, और जब ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस के अकाउंट थे तो कहीं ना कहीं से कस्टमर्स के अकाउंट तो फिर एचडीएफसी के पास आ ही जाते हैं। तो इस तरीके से एचडीएफसी ने अपना काफी बड़ा इंपैक्ट किया और काफी बड़े कस्टमर बेस को अट्रैक्ट किया, और जब कस्टमर बेस अट्रैक्ट हो जाता है तो वहीं से बैंक का ग्रोथ शुरू हो जाता है। बट 2000 तक क्या हुआ कि एचडीएफसी प्योरली कॉर्पोरेट में काम करता था, बट उसके बाद से आदित्य पुरी जी ने क्या देखा कि भाई हम कॉर्पोरेट में बस रह के हम बहुत लंबा बिजनेस नहीं बना सकते, इसके लिए जरूरी है कि हम रिटेल सेक्टर में भी जाएं। तो जब रिटेल सेक्टर में जाने की बात आई तो वहां पे दिखा कि देखो भाई रिस्क तो बहुत ज्यादा है। तो एचडीएफसी क्या किया, जब भी किसी मार्केट में जाता है ना तो पहले वो अपने कॉम्पिटिटर्स को देखता है कि मान लो आईसीआईसी बैंक एक कॉम्पिटिटर है एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, देखेगा कि आईसीआईसी बैंक क्या क्या चीजें कर रहा है जो चीज सक्सेसफुल हो रही है और क्या क्या चीजें कर रहा है जो चीज फेल हो रही है। जो चीजें आईसीआईसी बैंक की सक्सेसफुल होती हैं वो एचडीएफसी उठाता है और उसे इंप्लीमेंट करना शुरू करता है। तो जब रिटेल सेक्टर में एचडीएफसी बैंक घुसने की कोशिश कर रहा था तो उसने देखा 3-4 चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है। लोगों को पैसे चाहिए, अगर आप लोगों को पैसे दे दो तो लोग आपके कस्टमर बन जाएंगे। तो उस टाइम पे कार लोन, गोल्ड लोन, बाइक लोन, ये सारी चीजें चलती थी। तो एचडीएफसी ने शुरुआत की रिटेल लोनिंग से और धीरे धीरे करके ऐसे ही रिटेल में इनका अच्छा खासा प्रेजेंस बन गया लोन के सेगमेंट में। ठीक है, और जब लोन के सेगमेंट में इनका प्रेजेंस बन गया तो धीरे धीरे करके ये लोग इंडिया के हर एक रूरल पार्ट में पहुंच गए। आज के समय में एचडीएफसी का लगभग 6500 से ज्यादा ब्रांचेस प्रेजेंट है। तो इस तरीके से रिटेल सेक्टर में भी एचडीएफसी का प्रेजेंस आ गया और धीरे धीरे छोटे बिजनेसेस और छोटे कस्टमर्स के लिए भी एचडीएफसी अपने अकाउंट्स वगैरह ओपन करने शुरू कर दिए। बिकॉज देखो एक बैंक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कासा, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। जब किसी बैंक के पास ये दो चीजें आ जाती हैं अधिक मात्रा में तो वहीं से उस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। बिकॉज जब कासा रहेगा तो बैंक के पास इजी फंड्स आ जाते हैं, बिकॉज करंट अकाउंट में देखो बैंकों को इंटरेस्ट देना नहीं रहता और सेविंग्स अकाउंट में लगभग 3-4% का इंटरेस्ट देता है, बट मेजर जो फंड डिपॉजिट्स आते हैं वो इन्हीं दो अकाउंट से आते हैं। तो इजी इनकम आ गया और इस इनकम को आगे एचडीएफसी या फिर कोई भी बैंक लेंडिंग जब करता है तो वहां से 10-14% का इंटरेस्ट चार्ज करता है और जो बीच का डिफरेंस आता है वही बैंक्स का प्रॉफिट होता है। तो एचडीएफसी के पास जब डिटेल में तो उसके पास कासा आ गया, कासा आने के बाद से फंड्स की भरमार आ गई और जब फंड्स की भरमार आ गई लोन्स वगैरह दिया, सारी चीजें किया और आज के समय में एचडीएफसी वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैंक है इंडिया के अंदर। अब इससे कुछ लर्निंग्स जो हमें और आपको जानना चाहिए वो ये है। सबसे पहली लर्निंग तो ये है कि जब भी आप किसी सेगमेंट में एंटर करो तो पहले आप अपने कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सही चीजें कर रहे हैं और क्या गलत चीजें कर रहे हैं, और वो जो सही चीजें कर रहे हैं उनको आप किस तरह से इनोवेट करके इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहली लर्निंग ये है। दूसरी लर्निंग क्या है कि आप कस्टमर सर्विस पे बहुत ज्यादा फोकस करो। देखो मैं पर्सनली एचडीएफसी बैंक का कस्टमर हूं और मुझे पता है कि एचडीएफसी बैंक रिलेशनशिप बिल्डिंग में ना बहुत ज्यादा फोकस करता है। इस सेम चीज को आपको अपने बिजनेस के अंदर भी करना चाहिए, आपको पैसे से ज्यादा ट्रांजैक्शन से ज्यादा रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज जब आपका रिलेशन किसी कस्टमर साथ बन जाएगा तो वो कस्टमर आपके लिए लॉन्ग टर्म का एक एसेट हो जाएगा, तो अपने साथ साथ वो और भी लोगों को आपके बिजनेस से जोड़ देगा। तो फोकस ऑन रिलेशनशिप। तीसरी जो लर्निंग है वो ये है कि टीम, सही टीम का होना काफी ज्यादा जरूरी है। आदित्य पुरी जी जब शुरुआत में टीम का फॉर्मेशन कर रहे थे तो उनको ये दिखा कि एक टैलेंटेड टीम होना अलग बात है, बट एक टैलेंटेड टीम के साथ साथ ऐसी टीम होनी चाहिए जो आपके विजन और मिशन के साथ
मतलब जुड़ सके, बिकॉज जब तक एक टीम आपके मिशन और विजन के साथ जुड़ेगी नहीं, तब तक उस टीम को पता नहीं रहेगा कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, हमें क्या करना, हमें कितना एफर्ट लगाना है, ये सारी चीजें पता नहीं चलेंगे। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी आप रिस्क ले रहे हो ना, तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लो, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप रिस्क ले लो। अगर आप HDFC बैंक का केस देखो तो इसमें अगर मान लो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, अगर आप HDFC बैंक के मैनेजर के पास जाओगे और आप बोलोगे मुझे लोन चाहिए, तो इमीडिएटली वो आपको मना करेगा, बिकॉज HDFC क्या चाहता है कि हम लोन किसी को भी नहीं दे देंगे जब तक आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं रहेगा। भले से आपके एसेट्स कितने भी अच्छे हो, उससे HDFC को मतलब नहीं रहता, आपका कैश फ्लो जब तक अच्छा नहीं रहेगा तब तक HDFC आपको लोन नहीं देगा। और इस वजह से आज के समय में HDFC का बैंकिंग सेक्टर में सबसे कम NPA होता है। NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। HDFC का NPA अगर लास्ट क्वार्टर की देखा जाए, मार्च 2023 का देखा जाए, तो लगभग 0.27% का NPA था। मतलब कि हर 100 रुपए जो HDFC मार्केट में देता है उसमें से बस 0.27 पैसा ही वापस नहीं आता, बाकी जो भी पैसा वो HDFC के पास वापस आ जाता है। तो ये चीजें क्यों पॉसिबल है, क्योंकि HDFC रिस्क लेने से पहले ना वो कैलकुलेट करता है कि क्या इस रिस्क को हम लोग ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, अंधाधुंध पैसा नहीं देता। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स का NPA देखो तो लगभग 1.5 से 2% तक का NPA चला जाता है। तो इस तरीके से HDFC ने अपने आप को एक बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन देके अपने आप को बिल्ड किया, और आज के समय में HDFC का क्या पिक्चर है वो आपके आंखों के सामने बहुत ही क्लियर है। अगर रिसेंट की बात करें तो लगभग 1 जुलाई के आसपास HDFC बैंक और HDFC का मर्जर हुआ, और इन दोनों को जब मर्जर हुआ तो उसके बाद से HDFC आज के समय में इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैंक है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। SBI को भी पीछे कर दिया HDFC बैंक। आज के समय में HDFC बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 14.6 लाख करोड़ का, और अगर आप SBI बैंक का देखो तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है मात्र 5.5 से 6 लाख करोड़ के आसपास। तो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस, और ये चीजें प्रूफ करती हैं कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो आप एक बिजनेस को बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी ना बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो। सो ये था मेरा पर्सपेक्टिव HDFC बैंक के ऊपर कि किस तरह से HDFC बैंक की शुरुआत हुई और आज के समय में इतना बड़ा पिक्चर और इतना बड़े स्केल पे HDFC बैंक कैसे पहुंचा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी HDFC बैंक के बारे में ये चीजें जान सके। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं अगले किसी नए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।